नोटबंदी के बाद सरकार एक के बाद एक चौंकाने वाले ऐलान कर रही है। नीति आयोग की माने तो अगले 3 साल के अंदर एटीएम, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और POS यानी कि स्वाइप मशीनें बेकार हो जाएंगी। दरअसल ये सब सरकार नोटबंदी के बाद डिजिटल ट्रांजैक्शन को बढ़ावा देने के लिए कर रही है। प्रवासी भारतीय दिवस 2017 के दौरान नीति आयोग के CEO अमिताभ कांत ने बताया कि फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी और सोशल इनोवेशन दोनों ही मामलों में भारत बहुत बड़े बदलाव के दौर से गुजर रहा है। इस सोशल इनोवेशन की बदौलत भारत एक लंबी छलांग लगाएगा। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि भारत में 2020 तक इन सभी चीजों की जरूरत नहीं रह जाएगी, क्योंकि कुछ साल बाद हर भारतीय महज 30 सेकंड्स के भीतर अपने अंगूठे के इस्तेमाल से ट्रांजैक्शन कर रहे होंगे। वहीं कांत ने इस बात की तरफ भी इशारा किया कि सिर्फ भारत ही एक ऐसा देश है जहां 1 अरब से ज्यादा मोबाइल फोन और बायोमेट्रिक हैं। उन्होंने हाल में जारी भीम ऐप और आधार के जरिए होने वाली भुगतान प्रणाली का भी जिक्र किया। तो 3 साल बाद ATM, क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड बंद हो जाएंगे, ऐसा नीति आयोग का कहना है। लेकिन भारत जैसे देश में 2020 तक डिजिटल ट्रांजैक्शन पूरी तरह से कितना सफल हो पाता है, ये तो आने वाले वक्त को ही पता है। फिलहाल तो लोग अभी नोटबंदी के दर्द से ही नहीं उबर पा रहे हैं। देखते रहिए DB Live।